अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय किचन रेसिपीज। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मजेदार सी फिश मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये फिश मसाला मैं बनाऊंगी टूना फिश में। ये देखिए, ये इस तरह से कैन में आती है और इसके चंक्स होते हैं इसके अंदर। ये बहुत टेस्टी होती है, जिन्होंने खाया होगा उन्हें अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि कितने मजे की होती है। और मेरी फैमिली में भी बहुत पसंद की जाती है। देखिये, यहाँ पे कैन मैंने ओपन कर लिया है इस तरह से, और ये फिश के चंक्स है इसके अंदर और ये डूबे हुए हैं वेजिटेबल ऑयल के अंदर। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल हमें कम यूज करना है क्योंकि वो ऑलरेडी ऑयल उसके अंदर बहुत है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास एक बड़े साइज की प्याज थी और एक हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको हम सॉटे करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और प्याज को हमें गुलाबी कलर का करना है। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, फैमिली में शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। यहाँ देखिए, प्याज का कलर चेंज हो रहा है, प्याज हमारी पिंक हो गई है और लाइट सी ब्राउन होनी शुरू हो गई है। अब हम इस स्टेज पर ऐड करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज के टमाटर थे जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हमें बेसिकली इसका मसाला तैयार करना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मैं इसे कवर करके रख लूँगी 2 से 3 मिनट ताकि प्याज और ये टमाटर जो है खुसूसी तौर पे सॉफ्ट हो जाए। चलिए, मैं अब इसको कवर करके रख रही हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक हमें कम रखना है क्योंकि फिश के अंदर ऑलरेडी नमक मौजूद है। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें, भी मैं कम इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मैं शुरू में हरी मिर्च डाल चुकी हूँ। इसके अलावा थोड़ी सी इसमें हल्दी, देखिए इतनी सी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। मसालों के साथ हमें इसको भूनना है ताकि तमाम अज्जा यकजान हो जाए। हमारा मसाला तैयार हो गया है, बस अब हमें इसके अंदर डालनी है अपनी फिश। देखिये कितना ऑयल है इसके अंदर, बस ये इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे फिश मैंने डाल दी है, इसे मिक्स करेंगे। चाहे तो आप इसको छोटा छोटा कर लीजिए या इसी तरह के चंक्स छोड़ दीजिए। बस इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके हमें इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट दम पे रखना है ताकि तमाम मसाले और फिश जो है आपस में यकजान हो जाएं। क्योंकि ये फिश जो है कुक होती है, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना होता। इसे पैन मिक्स करके अब मैं इसे कवर करके रख रही हूँ। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी ऐड करते हैं ताकि उसकी खुशबू आए। पूरे किचन में बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू फैली हुई है। चलिए इसे मिक्स करते हैं। बस मैं इसे कवर करके रख रही हूँ तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चलिए कवर करते हैं इसे। और यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा टूना फिश मसाला बिल्कुल रेडी है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी, कैसी बनी आपकी ये फिश। चलिए चलती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।